हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब स्टेलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर से रिलेटेड वैकेंसीज को। तो ये जो वैकेंसीज निकली, ये निकली है IIT खड़गपुर में। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, ये जो पोजिशंस है, ये सारी जो हैं वो IIT खड़गपुर में निकाली गई हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरी किसी भी वीडियो को यहाँ पे मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो IIT खड़गपुर है, ठीक है, तो ये IIT खड़गपुर ये इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है। ठीक है, यानी कि जितने भी ऑलमोस्ट IITs हैं सबको जो है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का जो है यहाँ पे टैग दिया गया। इसके अलावा जो है कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी हैं जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में आती है, जैसे हमारी हो गई यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, UOH। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ और यूनिवर्सिटी हैं जो इन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का जो है टैग दिया गया है। अब देखिए, ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है, तो IIT जो है वो IIT खड़गपुर जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में आता है, और इट इज़ द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट इन द चेन ऑफ IIT इंगेज इन टीचिंग रिसर्च रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है वैकेंसीज को निकाला गया है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि अगर आप जो है फॉरेन नेशनल्स, अगर मान लीजिए आप कोई अगर एब्रॉड से PhD किया, या मान लीजिए कोई एब्रॉड का बंदा जो है वो इसके अप्लाई करना चाहता है, तो वो भी जो है इसके लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसकी जो जॉब रहेगी वो परमानेंट नहीं रहेगी। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी, तो मैक्सिमम वो सिर्फ 5 ईयर्स के लिए यहाँ पे जॉब कर सकता है। ऐसे कि अगर मान लीजिए कोई जो लाइक फॉरेन का जो जिसने फॉरेन में अपनी PhD लाइक कंप्लीट की, या फॉरेन का सिटीजनशिप किसी के पास है, तो वो अगर IITs में अप्लाई करना चाहता है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है वो क्लियरेंस चाहिए होगा, तभी वो जो है IIT खड़गपुर में अप्लाई कर सकता है। तो ये अच्छी बात है कि फॉरेन लाइक आपसे आपको फॉरेन का भी मतलब कि एक्सपोजर मिलेगा, अगर आप जो है फॉरेन में आपने अपना PhD किया है, या अगर आप फॉरेन सिटीजनशिप आपके पास है तब भी आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपका एप्लीकेशन रहेगा वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो ये मोस्टली जो पोजीशंस है, अगर आप इंडियन हैं तो आप उसका जो है, अगर आपके पास सारी क्वालिफिकेशंस एलिजिबिलिटी आप जो है वो फुलफिल करते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट मेंशन कर रखे हैं, तो वो ये आपका फैकल्टी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ बायोसाइंसेस, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर। तो मोस्टली जो IITs होते हैं वो इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर के लिए ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए इन्होंने जो IIT खड़गपुर या IIT रुड़की, दो ऐसे लाइक जो आपके IIT इंस्टीट्यूट है जहाँ पे जो है बायोटेक्नोलॉजी और जो बायोसाइंसेस में भी आपको यहाँ पे जो है MSc या MTech या PhD जो है करने को मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए भी यहाँ पे जो है लाइक फैकल्टीज को की वैकेंसीज को यहाँ पे निकाला गया है। तो मेनली जो है IITs वो आपका जो मैकेनिकल साइंस डिवीजन, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस डिवीजन, केमिकल साइंस डिवीजन, आर्किटेक्चर डिजाइन एंड प्लानिंग डिवीजन। इसके अलावा यहाँ फैकल्टी ऑफ साइंसेस में अगर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, जियो फिजिक्स, तो ये सारे डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज, सोशल इकोनॉमिक साइंसेज, फैकल्टी ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज इंजीनियरिंग के भी यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा स्कूल ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की भी यहाँ पे जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट आपको IITs में देखने को मिलेंगे। तो ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो आपके लाइक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हो, या साइंस डिपार्टमेंट के हो, या आपके लॉ या मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के हो, उसके सबके लिए जो है यहाँ पे वैकेंसीज को निकाला गया है। तो हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखिए यहाँ पे जो है इन्होंने प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला गया है, साथ ही साथ एसोसिएट प्रोफेसर की, और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीनों के लिए, यानी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके यहाँ पास यहाँ पे PhD होना कंपलसरी है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड भी अच्छा होना चाहिए, यानी कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, यानी कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड भी यहाँ पे गुड होना चाहिए, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रोफेसर की पोस्ट से रिलेटेड, तो यहाँ पे आपको मिनिमम 10 ईयर्स का टीचिंग या रिसर्च या इंडस्ट्री से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें एसोसिएट प्रोफेसर की, तो यहाँ पे आपका PhD प्लस 6 ईयर्स का टीचिंग या रिसर्च या इंडस्ट्री से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, आप बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 की, तो इसमें आपका जो मिनिमम जो है 3 ईयर्स का टीचिंग रिसर्च या इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है,
तो अगर आपके पास है तो आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड वन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए आप ये दो ग्रेड में आपको यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं, कि उनके लिए जिन्होंने पीएचडी करने के बाद उनके पास 3 इयर्स का टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस है वो लोग जो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनके पास जो लेस देन 3 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है, जैसे कि अगर मान लीजिए अभी आपने पीएचडी कंप्लीट किया अपना, तो आप डायरेक्टली जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने डायरेक्टली जो है पीएचडी कंप्लीट किया है अभी और अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड टू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सिर्फ पीएचडी चाहिए, तो यहाँ पे आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो है अगर आपके पास मान लीजिए 1 ईयर का भी एक्सपीरियंस है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है या लेस देन 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस हमने मेंशन कर रखा है, तो आप यहाँ पे जो है पहले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको यहाँ पे जो है अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है या उससे कम एक्सपीरियंस है, लेस देन 3 ईयर्स, तो आपको यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड टू के लिए यहाँ पे अप्लाई किया, आपको यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेस देन 3 ईयर्स एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड टू के लिए अप्लाई, यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आपको अपॉइंट किया जाएगा। तो एंट्री लेवल पे जो है आपको यहाँ पे लेवल 10 का पे मैट्रिक्स दिया जाएगा विद बेसिक ऑफ 70,900 और 84,800 इन लेवल 11, ठीक है। तो इसके बाद जो है आपको यहाँ पे जो है एंट्री लेवल पे आपको लेवल 10 का जो है बेसिक पे मिलेगा। इसके बाद जब आपका जो है 3 इयर्स का जो एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको जो बेसिक पे हो जाएगा वो हो जाएगा 1,01,500, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिनिमम जो है 3 इयर्स के लिए आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड टू के पोजिशन पे। इसके बाद जब आपको 3 इयर्स का जो है 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब आपको जो है आपका आपको जो है वो प्रमोट कर दिया जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 पोस्ट में, ठीक है। जब आप ग्रेड 1 पोस्ट में प्रमोट हो जाएंगे, तो आपका जो स्टाइपेंड है वो हो जाएगा 1,01,500, जो कि बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। तो अब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देख लिया, आप हम देख लेते हैं पे लेवल। तो देखिए यहाँ पे लेवल प्रोफेसर का, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो अब प्रोफेसर के लिए अगर आप यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है, तो आपको 14A का पे ग्रेड दिया जाएगा, जिसमें जो कि 1,59,100 से 2,20,200 है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो यहाँ 1,39,000 से 600 से 2,11,300 है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए जो है वो आपका हो जाएगा लेवल 12 1,01,500 टू 1,67,400। तो यहाँ पे 1 के लिए इतना है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 का मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ग्रेड 2 का। तो अगर आपको ग्रेड 2 में अपॉइंट होता है, तो आपको अगर लेस देन 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आपको पहले असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 में आपको अपॉइंट किया जाएगा। जैसे आप 3 इयर्स का आप एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे, उसके बाद जो है आपको मूव कर दिया या प्रमोट कर दिया जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ग्रॉस एमोलूमेंट्स रहेगा, तो अगर आप प्रोफेसर हैं तो आपको 1,90,359, अगर एसोसिएट प्रोफेसर तो 1,67,544, और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 में आपको अपॉइंट किया जाता है, तो आप जो है 1,22,967 जो है आपका जो है अप्रॉक्स रहेगा आपका एमोलूमेंट्स। तो अगर हम बात करें यहाँ पर रिजर्वेशन की, तो यहाँ पे रिजर्वेशन जो है एज पर जो है वो UGC रूल या AICTE या हम बोल सकते हैं MHRD या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग जो रहेगा आपका यहाँ पे रिजर्वेशन, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, तो आपको यहाँ पे कैंपस में अगर अकोमोडेशन अवेलेबल है, तो आपको यहाँ पे अकोमोडेशन भी जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ और यहाँ पे पॉइंट्स इन्होंने मेंशन कर रखे हैं, इंसेंटिव फॉर परसुइंग एक्सलेंस इन टीचिंग एंड रिसर्च, ठीक है। अगर टीचिंग और रिसर्च में अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे कुछ इंसेंटिव भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो अगर न्यूली ज्वाइन करते हैं, तो आपको यहाँ पे 25 लाख रुपए जो है इंस्टीट्यूट देगा फॉर इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। वहीं आपको 3 लाख का एडिशनल जो है फंड मिलेगा कंज्यूमेबल्स के लिए, कंटीजेंसी के लिए और ट्रेवल के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपको CPDA यानी कि क्यूमुलेटिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउमेंस 3 लाख का फॉर एवरी ब्लॉक पीरियड ऑफ 3 इयर्स, यानी हर साल आपको 1 लाख मिलेगा अप टू 3 इयर्स के तक। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो है कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आपको यहाँ 50,000 जो है वो इंस्टीट्यूट आपको देगा, IIT आपको यहाँ पे देगा, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको स्पॉन्सर पर अमाउंटिंग टू बी एटलीस्ट 15 लैक्स एंड हैज एटलीस्ट 3 पेपर्स इन रिफर्ड जनर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपके पास कोई भी
प्रोजेक्ट है जो मोर देन 50 लाख से ऊपर है और आपके एटलीस्ट 3 पब्लिश पेपर हैं इंटरनेशनल जर्नल्स में, तब भी आपको यहाँ पे जो है वो 50,000 रुपीज़ जो है वो दिया जाएगा कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा न्यूली रिक्रूटेड फैकल्टी मेंबर्स को 50,000 रुपीज़ फ्री सॉफ्ट एडवांस दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड अगर आपने जीता है, आपको मिला है, तो आपको यहाँ पे 15,000 पर मंथ मिलेगा उस पीआई को जिसके पास शांति स्वरूप भटनागर प्राइस जो है वो होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर वो कोई भी 2 नेशनल अकेडमीज का अगर मेंबर है तब भी उसको 15,000 पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड टीए और जो रीइंबर्समेंट होगा टेलीफोन बिल का वो रहेगा अप टू 1500 पर मंथ, ठीक है। तो यानी 1500 तक आपका टीए और आपका जो बिल्स टेलीफोन बिल्स का जो भी आपका चार्ज है वो भी आपका इंस्टीट्यूट ही दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करने पर आप देख सकते हैं कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो आपका एज जो है 35 ईयर्स से कम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको देखने वाला है पॉइंट कि अगर आप मोर देन 35 ईयर्स है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वहीं आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप SC और ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यू विल गेट द रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं अगर आपके पास सारे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिंक दे रखा है बिफोर 31 जुलाई, तो लास्ट डेट यहाँ जो मेंशन कर रखी है वो 31 जुलाई 2021 है। और यहाँ पे देखिए आपको कोई भी हार्ड कॉपी जो है वो सेंड नहीं करनी, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के टाइम पे आपको अपना डिग्री सर्टिफिकेट जैसे आपका PhD डिग्री, मास्टर डिग्री और आपका टेस्टिमोनियल्स यानी आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, आपके कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ सर्टिफिकेट, तो ये सब जो है आपको अटैच करने पड़ेंगे ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको इससे लिए कोई भी डाउट है तो वहाँ पे देखिए इन्होंने जो है वो आपको टेलीफोन नंबर यहाँ मेंशन कर रखे हैं, तो आप इस टेलीफोन नंबर पे कॉल करके जो है आप अपना जो भी डाउट है वो यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देख कुछ और हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे स्पेशलाइजेशन फॉर फैकल्टी रिक्रूटमेंट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर R/07/2021, तो ये जो नोटिफिकेशन है वो 1 जुलाई 2021 को रिलीज किया गया। तो यहाँ पे देखिए फैकल्टीज़ के बारे में यहाँ पे थोड़ा डिटेल में दे रखा है कि यार किस अंदर जो है मतलब कि अगर सपोज आप डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई कर रहे हैं या फैकल्टी और बायोटेक्नोलॉजी बायो साइंसेस में, तो आपका जो है इन सब सब्जेक्ट में जो है आप अपनी लैब जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी हो गई या जेनेटिक्स हो गई या एनवायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी हो, तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका PhD इन सब सब्जेक्ट में है तो आप इसके लिए जो है आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। स्क्रॉल डाउन करने पे आपको अदर सब्जेक्ट भी देखने को मिलेंगे, तो आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करने पे आपको ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट सबके लिए यहाँ पे जो है स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो देखिए आप डिपार्टमेंट केमिस्ट्री में भी ऐसे दे रखा है, तो आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एक बार इस इसे जरूर देखें, ठीक है। तो स्क्रॉल डाउन करने पे आपको ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट के यहाँ पे देखने को मिल गया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।